वीर हनुमान और भीम को कौन नहीं जानता। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वे श्री राम के परम भक्त थे और लंका युद्ध में श्री राम का साथ देकर माता सीता को रावण से मुक्त कराया और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त कराई। इसी प्रकार भीम का जन्म द्वापर काल में हुआ था। भीम भी महाबलशाली योद्धा थे। महाभारत में पांचों पांडवों में भीम सबसे अधिक शक्तिशाली और बलवान थे। उनमें 100 हाथियों का बल था। उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर उनके समान शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने अच्छे अच्छे महाबलियों को युद्ध में धूल चटाई थी। हनुमान जी और भीम दोनों को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी को सीता माता के द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था, इसीलिए जब तक धरती रहेगी हनुमान जी साक्षात इस धरती पर रहेंगे और लोगों के कष्ट दूर करते रहेंगे। महाभारत में एक रोचक प्रसंग आता है, जब अलग अलग युगों के दो महान योद्धा हनुमान जी और वीर भीम, उनका सामना होता है। बात महाभारत काल की है। पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांडव किसी एक वन में रुके हुए थे। उस वन में एक सरोवर था। उस सरोवर में सुगंधित कमल पुष्प लगे हुए थे, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। द्रौपदी को इन पुष्पों की सुगंध अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। द्रौपदी ने भीम को पुष्प लाने के लिए कहा और भीम निकल गए सुगंधित पुष्प कमल की तलाश में। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बानर मिला, जो कि लेटा हुआ था और अपनी पूंछ रास्ते में फैला रखी थी। रास्ते में बानर की पूंछ फैली होने से भीम आगे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि किसी भी जीव के लेटे होने पर उसके अथवा उसके शरीर के किसी भी अंग के ऊपर से जाना अमर्यादित माना जाता है। अपने रास्ते में बानर की पूंछ को देखकर भीम ने बानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। भीम की बात सुनकर बानर बोला, भाई मैं तो राम का भक्त हूँ, राम जी की कृपा से यहाँ लेटा हुआ हूँ, आप चाहो तो मेरे या मेरे पूंछ के ऊपर से जा सकते हो। भीमसेन को बानर की बात पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में बानर से अपनी पूंछ को हटाने के लिए कहा। भीमसेन की बात सुनकर बानर बोला, भाई आप तो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, आप ही मेरी पूंछ को हटा दो। भीमसेन ने बार बार बानर से उसकी पूंछ को हटाने के लिए कहा और बानर ने भी बार बार यही उत्तर दिया। अंत में क्रोधित होकर भीम ने बानर की पूंछ को अपने एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, परंतु वह बानर की पूंछ को हिला भी नहीं सका। भीमसेन ने फिर अपने दोनों हाथों से बानर की पूंछ को हटाने का प्रयास किया, परंतु वो बानर की पूंछ टस से मस नहीं कर पाया। भीम ने बार बार प्रयास किया, पर हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। भीमसेन समझ गए कि यह कोई साधारण बानर नहीं है, अपितु कोई देव पुरुष है जो भीम की परीक्षा ले रहा है। भीम ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए बानर से उनका परिचय पूछा। बानर ने अपना परिचय श्री राम के सेवक के रूप में बतलाया। बानर की इतनी बात सुनकर भीमसेन समझ गए कि यह और कोई नहीं अपितु साक्षात हनुमान जी हैं। भीमसेन ने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें हनुमान जी, मुझे अपनी शक्ति का झूठा अभिमान हो गया था। आपने मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए यह लीला रची है, कृपया कर मुझे अपने असली रूप में दर्शन दें। भीम की बात सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और अपना विशाल रूप दिखलाया। हनुमान जी ने भीम से कहा, हम दोनों ही पवन पुत्र हैं, इसीलिए तुम मेरे छोटे भाई ही हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार भाई कहकर संबोधित कर रहा था। इतना कहकर हनुमान जी ने भीमसेन को गले से लगा लिया। हनुमान जी के गले लगकर भीम को लगा मानो उसके शरीर में किसी अथाह शक्ति का संचार हो रहा है। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में वह पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा, जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे, पर यह युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना
ठीक नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता। परंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा ही वास होगा। और इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन के रथ की रक्षा करते रहे।